कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। सर, मैं आप टायर की शिनाख्त करूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे हाईवे लिंक रोड के पास खेतों से दो लाशें मिली और एक कार भी मिली। लड़के के शनाती कार्ड से पता चला है कि वो जागता है। अगर आप लोग उसको देखकर कंफर्म कर देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। उस बेचारे ने किसी के साथ क्या धोखा कर लिया, खुद जिंदगी ने उसके साथ धोखा कर दिया। आप एक दफा शिनाख्त कर ले, मैं दुआ करता हूँ कि वो आपका भाई ना। सलमान, मैं भी एहाब ना हो, देख लेते हैं। आए मेरे साथ प्लीज। मैं भी वो ना हो, देख लेते हैं। कम सो गई है। जी। कोई काम था आपको? नहीं, वो दिल कर रहा था अमल के साथ खेलने का, उससे बातें करने का। रोके मुझे शायद। आप गलत टाइम पर आए। ये तो उसका सोने का टाइम है। जानता हूँ, बस दिल चाहा तो आ गया। आप अपने रूम में जाएं, मैं अमल को आपके पास भिजवाती हूँ। चाहे ना गया, मैं अपनी बेटी के रूम में कुछ देर बैठ नहीं सकता क्या? आखिर आप क्या चाहते हैं? कि मुझे इस घर से निकाल दिया जाए, मैं अमल से दूर हो जाऊं? जितना ये मेरा घर है उतना ही तुम्हारा घर भी है। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तावर, आप प्लीज यहां से जाएं। जब भी आपका अमल से मिलने का दिल करे मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके पास भिजवा दूंगी। और अगर तुमसे मिलने का दिल करे तो? आई मीन, तुमसे भी तो बात कर सकता हूँ, कोई काम हो सकता है मुझे। फिलहाल आप जाएं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। सुनी, खुद ही जाने का कहती हो, खुद ही रोक रही हो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। सुबह से रिदा को फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। तुम परेशान ना हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। कभी कभी नेटवर्क का इशू भी हो जाता है। मैं भी ट्राई करता हूँ रिदा को कॉल करने की, अगर नहीं मिला तो मैं ईसा के ऑफिस कॉल कर लेता हूँ। वहां का नंबर भी है मेरे पास, तुम परेशान हो। अच्छा, अब आप जाएं। हाँ,
अब यहां आराम से बैठकर अपने भाई की मौत और दौलत की बर्बादी का खूब मातम मना, यहां तक कि तुम्हारी सारी लालच, अकड़, गुरूर, खुदसरी खाक में मिल जाए। सोई नहीं? नहीं 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 आ रही। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें बहुत प्यारा हूं मैं, वो लोग क्यों देख रही हूँ इस तरह? पता नहीं क्यों दिल चाह रहे देखती रहूं तुम्हें। फिर कभी देख पाऊंगी भी या नहीं? चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद करो, अब सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। ऐसा था क्यों? मुझे इतनी खुशियां देने के लिए इतने कम वक्त में मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, जो प्यार, जो एहसास लोग दुनिया में ढूंढते हैं, वो देने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि चाहे फिर मुझे मौका मिले ना मिले, कहीं नहीं जा रही है। सारी जिंदगी तुम्हें काश सारी जिंदगी नींद आ रही है मुझे। और सोचा
और नवेद जी मेरे बच्चा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम्हारी बहन की हालत अच्छी नहीं बेटा, उसके लिए दुआ करो। अम्मी वो ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। खुदा जाने किस मुश्किल में पड़ गई हूँ मैं। अल्लाह ताला मेरी ममता का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? मैं अपनी बच्ची को इस तरह देख के कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ, मैं उसको इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। तुम मेरी बच्ची हो ना, तुम दुआ करो मेरा बेटा। मुझे लगता है जैसे तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां मैंने की है ये उसकी सजा मिल रही है मुझे। दुआ करो खुदा मुझे माफ कर दे और मेरी बच्ची की तकलीफ खत्म हो जाए। अम्मी प्लीज आप ऐसा मत बोले, कुछ नहीं होगा रिदा को। आंटी आई, ईसा बुला रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ उसको लेने के लिए। दुआ करो कि ना, दुआ करो मेरा बेटा, दुआ करो तुम्हारी बहन की मुश्किल आसान हो जाए, उसे निजात मिल जाए इस तकलीफ से। आंटी जा रही हूँ जी, आई बेटा आई। अम्मी अम्मी कह रही है कि रिता की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। नवेद इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है तुम उसके लिए दुआ करो। क्या हो रहा? बहुत परेशान है इस वक्त। क्यों? रिदा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ रिदा बीमार है, हम सबको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं। अब रिदा की बीमारी का बहाना बनाकर बार बार हमदर्दियां बटोरने का क्या मतलब? आई डोंट गेट इट। मुझसे हमदर्दियां नहीं बटोरी। देखो ये समझदार है, इसे पता है कि लंदन में इसके माँ बाप रिदा के पास हैं, ताहिर और जायदा इसका ख्याल रख रहे हैं, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज मुझे आप कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। कब तक चलेगा ये शोक तुम्हारा? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सब खत्म हो गया, सब कुछ। क्या फायदा अब इस मातम का? कितनी बार तुम्हें समझाया था, मना किया था, लेकिन मुझसे छुपकर अपने भाई को दिए ना सारे पैसे तुमने। अंजाम तुम्हारे सामने। वैसे अच्छा तो तुम्हारे साथ कुछ हो भी नहीं सकता ना, तुमने आज तक किसी के साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, कितने लोगों के घर बर्बाद किए, हत्ता कि तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ाया। मेरा सामान मुझे वापस करो।
ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। एक काम हो सकता, तुम ये समझो कि इस सामान के बदले में मैं तुम्हें यहां रहने की इजाजत दे रहा हूं, बदले में तुम्हें सिर्फ डैड की खिदमत करनी होगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे हो तो तुम एक थैंकलेस औरत, लेकिन ये मेरे माँ बाप की तरबियत है कि मैं तुम जैसी झूठी धोखेबाज और मक्कार औरत को यहां रहने दे रहा हूं। मैं धोखेबाज हूं? मैं? धोखा तुमने दिया है मुझे, इस घर में लाकर कैद कर दिया है, मुझसे मेरा सारा सामान छीन लिया और कह रहे हो कि मैं धोखेबाज हूं, मैं झूठी हूं। मुझे मेरा सारा सामान वापस चाहिए, अभी इसी बात। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। मैं इस घर को आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी इस घर को। दो मेरा सामान, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। कर लिया सर, आ गया मजा। कुछ भी कर लो, तुम्हारा सामान तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, और ना ही तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारा कोई सामान है मेरे पास। लेकिन ये जो तुमने अभी अपनी औकात दिखाई है ना, इस घर में रहने के काबिल नहीं रही तू। गेट आउट, निकलो। नहीं जाऊंगी मैं यहां, निकलो। नहीं जाऊंगी मैं, अपना सामान लिए बगैर नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा सारा सामान। गेट आउट माहम, आई हैव हैड एनफ, अब बस निकलो यहां से। Just get out. कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मेरा सामान वापस करो। माहम, तुम मुझे ऐसे अपने घर से नहीं निकाल सकते। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। Get out. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तो मेरी बच्ची की मुश्किल आसान हो जाए, मेरी बच्ची की तकलीफ खत्म हो जाए, मुझे माफ कर दो। क्या हो? बहुत परेशान है सुमित। क्यों? रिता को हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ रिता बीमार है, हम सबको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं। अवरिदा की बीमारी का बहाना बनाकर बार बार हमदर्दियां बटोरने का क्या मतलब? आई डोंट गेट इट। मैं जानता हूं तुम किस गर्भ से गुजर रही हो। मैं कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप मुझे मज़ीद टेंशन दे रहे, नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, ना ही आप। झूठ रीता, मुझे सब कुछ बता चुकी है। क्या बताया रीता ने आपको? जो तुम्हारे दिल में है लेकिन तुमने कभी कहा नहीं। कुछ देर के लिए सही,
रखकर तुमने मुझे अपना माना। बड़ी तैयार लग रही हो। और ये माहम ने इस दफा तुम्हें अपनी नई शर्ट दे दी? हाँ, लेकिन मैं वापस कर दूंगी। क्यों? अच्छी तो लग रही है, और वैसे भी तुम्हारे पास हमेशा हमारे पुराने कपड़े जाते हैं। ये बात दावर को भी पता है, पता नहीं क्या सोचता होगा। कुछ नहीं सोचते होंगे वो। वो माहम को नाश्ते पर लेके गए। क्या समझ नहीं आती मुझे, तारीफें बातें तुम्हारी करता है, चाय कॉफी नाश्ते पर माहम को लेकर जाता है, चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है, वो माहम को पसंद करते हैं बस। पागल हो? माहम उसके साथ सीरियस नहीं है। जितना रोना है ना रो लो, लेकिन इसके बाद कभी नहीं। वो दावर नहीं डिजर्व करता तुम्हारे आंसू। इतने प्यार से बात करता था, कोई भी लड़की ख्वाब से जा सकती है। लेकिन दावर ने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं कही थी, मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। अच्छा तो मुझे बताओ, उसने कभी तुम्हें मना किया कि मुझसे बात नहीं करो, मुझे मैसेज नहीं करो, रात में फोन नहीं करो? इतना शरीफ था तो बता देता ना। पता नहीं कितनी लड़कियों से फ्लर्ट कर चुका होगा, बाहर से आए हैं साहबजादे। और तुम खुश भी थी। झूठ बोल रही है रदा, वो मेरा बचपना था। और वैसे भी पप्पा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो आपकी दूसरी शादी। उनसे मैं खुद बात कर लूंगा। दावर पहले इतनी परेशानी चल रही, रिता की तबीयत ठीक नहीं है। रिता भी यही चाहती है कि हमारे खुद साख्ता फासले खत्म हो जाए। हाँ तो मैं भी यही चाहती हूँ, बस एक बार रिता ठीक हो जाए, मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी। जिंदगी में एक बार गलती की है मैंने, दोबारा कभी नहीं करूंगा। जी बेगम साहबा, दावर को बुला के लाओ। जी अच्छा। क्यों आई हो यहाँ? मैं पूछ रही हूँ क्यों आई हो यहाँ? सलमान ने मुझे घर से निकाल दिया। तो उसने मुझे बहुत मारा है, घसीटते हुए घर के दरवाजे से बाहर फेंक दिया, दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया मेरे।
मैंने बहुत बहुत दरवाजा खटखटाया, बेल्स भी बजाए, पर उसने नहीं खोला। सारी रात उसके घर के बाहर बैठी रही। बहुत मुश्किल से मेरी रात गुजरी है पप्पो। नसरीन, नसरीन जल्दी आओ। जी। नवेरा से इनके घर की चाबी लेकर आओ, उसे पानी पिलाओ। जी अच्छा। पप्पो मुझे आपसे माफी। नसरीन चाबी लाने में कितना वक्त लगेगा? सलीम जल्दी से आओ, ये चाबी लो इनके घर की और इन्हें पहुंचा कर आओ। जाओ। एहाब और सदवान इस दुनिया में नहीं रहे। महम तुम अपने ये ड्रामेबाजी अब बंद कर दो। हद होती है किसी चीज की, बस कर दो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप पता करवा सकते हैं। वो क्या पता तुम्हें गलत फहमी हुई हो? नहीं पप्पो, मैंने खुद मुर्दा खाना जाके उनकी डेड बॉडीज देखी। वो नहीं रहे इस दुनिया में। उन्होंने सबके साथ बुरा किया था, इसलिए उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। पप्पो पप्पो प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने भी आप सब लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मौत भी इब्रतनाक हो उनकी तरह। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं सबसे माफी मांगूंगी। मैं आपके पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा कोई नहीं है। अगर अम्मी बाबा यहाँ होते तो मुझे शायद संभाल लेते, क्योंकि औलाद जैसे भी हो माँ बाप के लिए कभी बुरी नहीं होती। आप उनकी जगह है, प्लीज मुझे माफ कर दे पप्पो। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे कहीं नहीं जाना, सलमान मुझे मार देगा। मैं मरना नहीं चाहती हूँ पप्पो, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आप लोगों से धोखे से जितने पैसे लिए थे वो सब खत्म हो गया पप्पो, प्लीज मुझे कहीं मत ले।
नसरीन जल्दी से आओ। माहम नसरीन जल्दी से आओ, मेरा ब्लड प्रेशर का सामान लाओ, सामान लेके आओ जल्दी से। माहम पानी लेके, पानी जल्दी करो। माहम माहम, अरे दावर दावर सुनो सर, इसको क्या हो गया? देखो संभालो, हमारा भाई चला गया है। आप पापा को कैसे बताएंगे? वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? उनका दिल टूट जाएगा। आप चला गया श्रीता, रिदा के साथ तो ऐसे नहीं होगा ना? हाँ बताए, रिदा के साथ तो ऐसे नहीं होगा ना? ये कैसी आजमाइश है मेरे माँ बाप पे जो खत्म ही नहीं हो रही है? रिदा रिदा ठीक हो जाएगी ना? दावे बताए, रिदा ठीक हो जाएगी ना? यकीन करो कुछ नहीं होगा रिदा को, रिदा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप सच कह रहे हैं ना? सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, जाएगा। संभालो इसे दावर, संभालो। पापा दे दे या मेरे दिल का धड़कना।